इंडियन फूड रेसिपी से मैं बीना। आज हम बनाने जा रहे मटन रिच मसाला। कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटो, पुदीना, हरा धनिया, काजू, होल गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन पेस्ट, कोबरा, खसखस, सिंगदाना, मटन, सूखा नारियल, सिंगदाना ग्राइंड कर लेंगे, खसखस और काजू ये दोनों को ग्राइंड कर लेंगे, गरम मसाला ग्राइंड कर लेंगे। आवश्यकता अनुसार आप तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम होने के बाद प्याज डाल दो। प्याज फ्राई होने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन डालेंगे। अब हम इसमें मटन डालेंगे। मंची ले दी। अब हम इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और नमक इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालेंगे। दो मिनट तक इसे फ्राई कर लीजिए। अभी इसमें कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना तो 2-3 मिनट तक अच्छा फ्राई कर लीजिए। दो तीन मिनट फ्राई करने के बाद कोबरा, सिंगदाना और गरम मसाला पेस्ट किया है ये मिश्रण में इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह मिला लीजिए क्योंकि नीचे से जल ना जाए। पकने के लिए अभी हम 1 कप पानी डालेंगे। अभी इसको ढक्कन लगा देंगे। 3-4 विजिल आने तक इसको पका लेंगे, मटन को पका लेंगे। 5 विजिल के बाद हमने ढक्कन खोल दिया है। देखिए कितना कलरफुल दिख रहा है। फाइनली हम इसमें काजू और खसखस का पेस्ट डालेंगे। फाइनली ये तैयार हो चुका है। 2 मिनट के बाद अपना मटन रिच ग्रेवी रेडी। देखिए हमारा मटन रिच ग्रेवी रेडी।
सब।